दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी कविता को ध्यान में रखते हुए आज मैं आ गया हूँ सिर्फ 24 साल के हमारे सर, जिन्होंने ये जो पूरा प्लांट है वो सेटअप किया है, और आज उनका महीने का अराउंड 7 से 7.5 लाख का टर्नओवर हो रहा है। आप भी कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो, सारी डिटेल जानकारी सर हमें देने वाले हैं। कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे उन्होंने जॉब छोड़कर ये पूरा प्लांट कैसे सेटअप किया, क्या उनको मोटिवेशन मिला, सारी जानकारी सर हमें देने वाले। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए, उसकी पूरी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। हेलो सर। हेलो सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने ये बिज़नेस है वो कैसे शुरू किया, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो ये जर्नी अपन कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड स्नैक्स जर्नी बोल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं बिलोंग करता था ट्रैवल लाइन से बिलोंग करता था। अच्छा। सो आपको तो पता है कि लॉकडाउन में सबकी हालत टाइट हो गई थी। ट्रैवल लाइन जैसे क्लोज हो गया, तो सबको कुछ ना कुछ करना था। राइट। ठीक है। तो मैं वहाँ से लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ, जब सब अनलॉक सिस्टम आने लगा, तो फर्स्ट फ्लाइट लेके अपने घर कर दिया। जॉब नहीं छोड़ा था। अच्छा, जॉब नहीं छोड़ा था, घर आ गया था। मैं पहले, मेरे जो पापा का बैकग्राउंड था वो नमकीन लाइन से था। अच्छा। तो आपको तो पता है 41 हलवाई का बेटा ही मान लो। तो ये चीज़ दिमाग में चला था, ये फील था क्योंकि मुझे बेकरी बिजनेस पता था, बेकरी का काम सब आता है मेरे को। तो चलो इसको करते हैं करके मैं घर आया। घर आके फर्स्ट आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। अच्छा, डायरेक्टली क्विट कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। कितने की जॉब थी वो? वो मेरी थी 55,000, क्योंकि वहाँ से कुछ सैलरी नहीं मिल रहा था। पापा तो एक तरह से छोड़ने जॉब जैसे छोड़ने जैसा हुआ है। तो चलो मैंने वो क्विट कर दिया, ऑन द स्पॉट क्विट करके। फिर मैं 5-4 दिन घर में रहा। तो सर, अभी सबसे मेन बात है इन्वेस्टमेंट की। आप बहुत यंग एज में आपने ये शुरू किया, तो सबसे जो छोटी उम्र में सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, पैसा कहाँ से लगाए, कहाँ से लाए, वो आपने कैसे अरेंज किया, वो ज़रा समझाइए। वो क्या था कि 3 साल जो जॉब किए थी उसका थोड़ा फाइनेंस था, सेविंग था मेरे पास, और थोड़ा मेरे बड़े भाई से थोड़ा मदद मिला मेरे को, थोड़ा मामा जी ने किया। तो उस तीनों के लोन वगैरह कुछ नहीं लिया, लोन वगैरह हमने कुछ नहीं लिया। तो बाय गॉड ग्रेस ये जल्दी मेरे को ये जगह मिली। मैंने अभी कितने महीने हो गए? मेरे को अभी 6 महीने हुए। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो ठीक है सर, ज़रा बताइए हमारी व्यूअर्स को कि कैसे आपका प्लांट रन होता है, क्या रॉ मटेरियल लगता है, मशीनरी क्या क्या लगती है, मार्केटिंग कैसे की थी आपने, उसके बाद प्रॉफिट वगैरह कैसे होता है, वो सारा सर हमें डिटेल जानकारी हमारे व्यूअर्स को। श्योर, आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। सर की मेहनत के लिए वीडियो को 60,000 लाइक की ज़रूरत है, तो पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही सक्सेसफुल स्टोरीज, सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज़ आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। सो पोला और पफ के लिए जो रॉ मटेरियल जो मेन मोस्ट है वो है मक्का। अच्छा। सो ये मक्का दलिया होता है। अच्छा। सो आपको देखा होगा ये मक्का दलिया है, पूरा फुल मक्का नहीं है, इसमें दलिया आता है, ये मिल से लेके आना पड़ता है दलिया को पूरा। अच्छा। ठीक है। जो पफ बनाने में उस पर इसमें डिपेंड है कि वाटर कितना क्वांटिटी में आता है, वो मैं ऐड करके इसको जो ये एक्सक्यूटर मशीन है, पफ और पोला एक्सक्यूटर मशीन है, इसमें यहाँ पर डाला जाता है। ओके। हाँ ओके। डालने के बाद ये जो मशीन आप अटैच हो रही है पूरा यहाँ पर नीचे गिरता है इसमें स्कूप में, और कूप से फिर ये निकल के ये सर स्नेक जैसा बनता है, सांप जैसा निकलता है पूरा ये। इसकी खास है कि एक बार ये स्टार्ट हो गया है तो कंटिन्यूसली 8 घंटे जितना देर आपको मशीन चलाना है वो चलेगा। अगर आपने एक बार भी अगर स्टॉप कर दिया तो इसको 1.5 आवर चाहिए इसको पूरा खोलने के लिए। ये पोला बन रहा है, पोला कंटिन्यूसली निकलता है। जो ये है इनके ऊपर डाई पे होता है, ये जो पोला बनता है इसकी पूरी बोबिन आती है ये। अच्छा। और अगर आपको पफ निकालना है तो ये इसको हटा के पफ का जितना जो साइज में निकालना है, चाउमीन निकालनी है। हाँ। और आपको अलग अलग जो निकाल उसके हिसाब से यहाँ पे बोबिन लगती है। अच्छा। एंड देन पफ को पफ का मतलब एक ही मशीन में हम लोग अलग कर सकते हैं। तो अगर पफ निकालना तो फिर आपको यहाँ पे कटर लगेगा। अच्छा। जो कटर लगने के बाद ये मशीन से यहाँ से अटैच होता है, तो जितना आपको स्पीड से पैनल से स्पीड करनी है स्पीड के हिसाब से। और रॉ मटेरियल सेम ही रहता है? रॉ मटेरियल सेम रहता है। यहाँ से पोला निकलने के बाद पूरा इसके थ्रू जाता है, तो यहाँ पे जो ऑयल है ये ऑयल स्पिट गिरता है। ठीक है। ऑयल किसका? ड्रॉप एंड ड्रॉप ऑयल, ये रिफाइंड है, प्योर रिफाइंड है ये। ओके। ठीक है। ये क्या काम में आता है ऑयल? ये ऑयल ये आता है कि जो कॉर्न पे मसाला लगना होता है, मसाला लगाने के लिए इसको रिफाइंड पर लगाया जाता है। अच्छा। अगर पानी वगैरह ऐसे और ये सारा मसाला है क्या? ये पूरा मसाला है। ओके। पूरा मसाला लगता है ऐसे, उसको हाथ से थोड़ा लगा के अटैच करना पड़ता है, और उसके बाद देन द नेक्स्ट थिंग इज कि इसको पूरा खींचना पड़ता है। तो ये 16 फुट जैसे खींचना पड़ता है, ये पूरा खींचना पड़ता है ताकि क्या कि हमको डिस्टेंस मिल सके कटिंग के लिए पूरा। राइट। तो यहाँ पे आके आपको जो साइज में पोला काटना है वो साइज में, वहाँ पे आपको 10 इंची काटना है तो उसको वहाँ पे जो
नट लग रहे हैं उसको खोल के उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है, 13 इंची, 10 इंची, 12 इंची, जो भी आपको साइज का काटना है। हाँ, तो ये कटिंग के बाद इसको स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने के बाद यहाँ से जो ये पूरे लेडीज जो बैठी हैं वो इसको पैकिंग करती है, पूरा पैकिंग करती है। यहाँ पे जैसे 50 पीस भी पैक करना होता है, 60 जो इनको हम बताते हैं उसके हिसाब से पैकिंग करती है। और सर इसमें कुछ वेस्टेज वगैरह है? इसमें वेस्टेज अभी जैसे पूरा जो साइज 16 फुट कट रहा है इसमें जैसे 13-13 इंची के कोई अगर आप 8-7 बन उसका छोटा सा पीस बच रहा है तो वो वेस्टेज जाता है, वेस्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 6-7-8 रुपये किलो में निकल जाता है। अच्छा, उसके बाद ये पोला ऐसे पैक होता है क्या? ये पूरा ऐसे पैकिंग होता है इसका। कितने कितने के पैकिंग है ये? 50 की पैकिंग चल रही है अभी। एंड द नेक्स्ट थिंग, इसमें जो प्रोडक्ट में हमारा जो ब्रांड का है जैसे श्री ठाकुर जी मसाला है हमारा, तो ये इसमें पेपर इसमें डल के मार्केट में फिर जाता है, ये मार्केट में सेल करने के लिए चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसा पूरा ये बंडल्स रेडी होते हैं, पूरा 10 इंची का है वो भी, 10 आगे 13 इंची पूरा लग रहा है, ऐसे पूरा रेडी होता है ये पूरा अभी मार्केट में सेल करने के लिए। पूरा मार्केट में सेल करने के लिए अभी आज शाम को गाड़ी लोड होके पूरा चला जाएगा। ये जो छोटे पैकेट बनते हैं इसमें 10 का पैकेट आता है, पूरा 10 बंडल का एक पूरा पैकेट रेडी होता है और इसी से पूरा जैसे एक गाड़ी में वैसे 120 बैग्स 130 बैग्स का पूरा मार्केट रेडी हो जाता है। इसी के साथ साथ हम पफ भी बनाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं पफ बनाने में भी सेम मटेरियल ही लगता है, जो पोला में लगता है मक्का वही सेम प्रोडक्ट उसी में लगता है और बस उसमें का जो कट आगे जो मशीन के कटर लगता है उससे वो पूरा कटिंग होके साइज में ओके। ऐसे ही पफ बनता है, उसके बाद उसको मसाला मिक्सचर में डाल के और उसमें मसाला जो फ्लेवर चाहिए वो फ्लेवर ऐड करके उसको हम अपना जैसे टमाटर हुआ पुदीना जो सबसे करना है फ्लेवर वो करके रेडी करते हैं उसको ओके। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस इज द पैकेजिंग। अच्छा, जो पफ है ये हमारा रेडी है, ठीक है, इसको अब पैकिंग में जितना कितना ग्राम करना है हमको पाउच में करने के बाद ये पैकिंग पूरा हो जाता है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें गिफ्ट आइटम्स ऐड करते हैं हम और वो हर जैसे चलता रहता है उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड होता रहा, गिफ्ट आइटम ऐड होते रहते हैं और देन द नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे ये सीलर होता है, सील करके यहाँ पे प्रोडक्ट पूरा निकलता है। जो डिपेंड है जो कि किस एरिया में जैसे 6 पाउच का चल रहा है किसी में 7 का चल रहा है उसके हिसाब से ये मार्केट में हम देते हैं। अभी ये मार्केट में देने के लिए रेडी है, ठीक है, तो ये जो 12 पीस का है तो इसका कॉस्ट है 420, मतलब 42 रुपीज़ का पैकेट का है, मतलब 420 रुपीज़ का पूरा बैग है। तो ये डायरेक्ट इसके होने के बाद बैग बना के पूरा मार्केट में सप्लाई के लिए भेज देंगे। ये देख लीजिए ये दूसरा पाउच तरह का है, इसमें भी आपका पैसे इसमें डाले जाते हैं इनाम में। अच्छा, ठीक है, पैसे डाले जाते हैं इसमें, पूरा सिक्के डाले जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें भी आप एयर का देख सकते हैं, एक ये रिंगो है इसमें रिंग डलती है पूरी, ये भी आप देख सकते हैं, पूरा पाउच देख सकते हैं। इसमें हमारा 5 वाला पाउच और 2 रुपये वाला पाउच दोनों चलता है, उसमें हमारा 1 वाला पाउच भी पूरा चलता है। पूरे प्लांट में आप अराउंड 6-7-8-10 प्रोडक्ट आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सर इन प्रोडक्ट्स की जो एक्सपायरी है वो क्या है? तो इन प्रोडक्ट की एक्सपायरी 6 मंथ है, लेकिन ये विद इन 1 मंथ ही पूरा कंज्यूम हो जाता है। विद इन 1 मंथ पूरा कंज्यूम हो जाता है, विद इन कस्टमर एंड तक हो जाता है पूरा, क्योंकि एक पार्टी को एक गाड़ी भेजने के बाद उसका ऑर्डर 20-25 दिन में लग जाता है पूरा। मार्केट में कौन से सेल हो रहे हैं, डिमांड किसकी सबसे ज़्यादा अभी? अभी तो आपको जैसे एज यू नो बताया कि 5-7 प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, लेकिन अभी डिमांड तो इस प्रोडक्ट की ज़्यादा आ रही है, जो पोला नमकीन है इसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि क्या है कि ये प्रोडक्ट जब भी सिटी लेवल में भी चल सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट गाँव में डिमांड ज़्यादा है। और क्या है कि हम एक चीज़ जानते हैं कि भारत में गांव सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्ट गांव का ही है, गांव का है ये, आप सिटी लेवल पे नहीं ले सकते, सिटी लेवल पे नहीं लेगा। अच्छा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के थ्रू सिटी के थ्रू ही गांव में जाता है। अच्छा, मतलब गांव को आप, मतलब आपकी जो कस्टमर बेस है वो आपने टारगेट कर रखा। और सर मेन चीज़ आती है इसकी मार्केटिंग की, मार्केटिंग कैसे? मार्केटिंग मैंने आपको बता दो, मार्केटिंग मैंने कोई डायरेक्ट कंपनी नहीं पकड़ी है, मैंने मार्केटिंग के लिए ई रिक्शा पकड़ा है पहले। अच्छा, मैं ई रिक्शा पे खुद गया हूँ, देखो बोलते हैं कि एक पढ़े लिखे बंदा जब ई रिक्शा पर चलता तो एम्बेस फील होता है, लेकिन मैं नहीं किया क्योंकि मुझे वो कंटिन्यूसली नहीं करना था, मुझे वो 10-5 दिन के लिए करना था। तो उससे क्या है कि मार्केट किस वे से रन हो रहा है, कैसे है गांव में, कैसी डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट है, इसको किस तरह के बेचते हैं, क्योंकि अभी पार्टी के पास जाएंगे तो अगर इसका 25 रुपये दाम है तो वो मेरे को बोलेगा कि 18 रुपये आ रहा है, राइट। तो मेरे को पता होना चाहिए कि तुम झूठ नहीं बोल सकते, ये मार्केट में ये रेट चल रहा है। तो पहले हमको रेट पता करके पूरा मार्केट में रिसर्च किया मैंने, ई रिक्शा के थ्रू मैं सब जगह गया, मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में वेन एवर यू बिजनेस हमको प्रॉफिट तो दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं करके। तो अगर ये चीज़ आपकी 25 रुपये में आ रही है, 250 रुपये बैग जा रहा है, तो आप उसको बोलो कि हम तेरे को 2 रुपये कम में देंगे। अच्छा,
हमको प्रोडक्ट क्वालिटी तो अपनी बतानी है, द नेक्स्ट थिंग हमको उसको बताना है कि मेरा माल लेने से तेरे को 2 रुपए ज्यादा मिलने वाला है। ये चीज जब अगर आप मार्केटिंग वाले के दिमाग में ये चीज बैठा दोगे कि हाँ भाई मेरे को इससे 20 रुपए, तो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए हमेशा आ जाएगा। सबसे ज्यादा अभी आपका पोला जा रहा है जो 10 इंच, तो अभी वो कितना जा रहा है, मतलब कितने पैकेट चले जाते हैं? डेली 100 बैग चले, डेली 100 बैग। एक बैग में कितने आते हैं? 10 पैक्स का आता है। ओके, तो सर अभी क्या स्थिति है मतलब आपके प्रोडक्शन की और कितना सेल हो रहा है वो जरा समझा दीजिए। अभी एक गाड़ी जाता है 25,000 का एक गाड़ी आराम से डेली जाता है, और हरियाणा में सप्लाई है और पश्चिमी राजस्थान साइड में आराम से सप्लाई, डेली गाड़ी का जाता है। अच्छा, तो सर अगर हमारे व्यूअर्स को बिजनेस करना है तो वो कर सकते हैं क्या? मतलब आराम से कर सकते हैं। अच्छा, मेहनत तो जरूरी, आपके बिना मेहनत कुछ नहीं होगा, सब कुछ आसान है, मंजिल आसान है। अगर आप मेहनत करोगे तो सब टाइम पे हो जाएगा। सही है। तो कुशल सर का जो पूरा पफ प्लांट है वो शुरू करने में जिन्होंने मदद की है, तो मैं आज अभी आपको मिलवाऊंगा कि अंश एंटरप्राइजेस से, जो हमें बताएंगे कि कैसे आप ये जो पूरा प्लांट है वो कैसे सेटअप कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, वो सारी चीज़ें हमें सर समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार है और मेरी कंपनी फरीदाबाद हरियाणा में है। हाँ, जो ये प्लांट बनाते हैं हम लोग, तो इसकी कंपनी हमारी फरीदाबाद में है, और जो ये इन्वेस्टमेंट है इसकी, आपकी पफ, इसको बोलते हैं पफ प्लांट, इसकी इन्वेस्टमेंट आपकी 6 लाख रुपए तक जाएगी। 6 लाख तक जी। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका पहले एक होता है यू मिक्सचर, जिसमें हम मटेरियल मिक्स करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पफ एक्सट्रूडर, जिससे हम ये पोला, रिंग, चीज बॉल, चाउमीन बनाते हैं। उसके बाद में हम रोस्टर आता है, उसको रोस्ट, क्रंची, माल को क्रंची करने के लिए। क्रंची होने के बाद में वो एक हांडा आता है मसाला मिक्सचर, उसमें डाल के मसाला लगाने के बाद में, उसके बाद में हम पैकिंग आती है, पैकिंग मशीन में पैक करके, उसके साथ में पैकिंग मशीन के साथ में एक एयर कंप्रेसर लगता है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जी, इसमें 6 मशीन का काम है पूरा टोटल। हाँ, इसमें 6 मशीन में आपका ये पूरा पफ प्लांट रेडी हो जाता है। और सर जो रॉ मटेरियल लगता है वो मुझे कहाँ से मिलेगा? वो सर हम प्रोवाइड कराते हैं, इसमें मक्का और चावल का ही ज़्यादातर काम है। हाँ, मक्के और चावल से सारे प्रोडक्ट आपका रेडी हो जाता है। और सर जो मेन है इसमें मसाले मेन यूज़ होते हैं जी, वो मुझे कहाँ से मिलेंगे? मसाले हम लोग हमारी कंपनी उसको आपको प्रोवाइड कराएगी, वो सारा सपोर्ट आप देंगे जी। हाँ, पूरा तो रॉ मटेरियल मिला के सब कुछ मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा? लगभग आपका 8 से 10 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अच्छा, जितना भी इससे रिलेटेड रॉ मटेरियल है वो सब हम प्रोवाइड कराते हैं, और पैकेजिंग मटेरियल जो पैकेजिंग के लिए लगता है उसको भी हम, अगर मुझे मेरी ब्रांडिंग से डालना है तो वो भी आकर जी, हम रैपर भी छपाते हैं। तो सर ये भी बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ लाइसेंस लगा होगा जी? हाँ, और जगह लगी होगी तो कितनी लगती है जरा समझाइए। लगभग इसमें 200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। इसमें फूड लाइसेंस लेना पड़ता है, जो किसी वकील के थ्रू या कोर्ट में कैसे मिल जाता है, जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मशीन बना के देते हैं। तो अगर आपको ये पफ प्लांट आपके एरिया में शुरू करना है और ये अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स है आप एक ही प्लांट से बना सकते हो, वो आपके शहर में लॉन्च करना है, अंश एंटरप्राइजेस है, अनुज कुमार जी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर, एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। थैंक यू सो मच।